कौन सा मिल्ली नगमा है जिसको जब अदर देन द कौमी तराना, जिसको जब सुनती हैं आंख में आंसू आता है? कोई है मिल्ली नगमा? कोई सारी ऐसे, सारी ऐसे? सारे ऐसे, कौन सा फेवरेट है आपका? कोई भी ऐसे नहीं जैसे कि अभी अभी जहन में आ रहा हो, बट जो वो है ना, एक तो ये कि हम एंटरटेनमेंट के लिए फिल्म देखने के लिए सिनेमा में जाते हैं, वहां मिली नगमा होता है और मेरे तो आंखों में आंसू आना शुरू हो जाते हैं। फिर जो है कि कभी 14 अगस्त पे या कुछ ऐसे वीडियोस भी कई दफा होती है ना, तो मैं वैसी बड़ी इमोशनली जो है ना, मैं बहुत ज्यादा, आई डोंट राइट ऑन ट्विटर टू मच, और आई डोंट यू नो राइट इतना ज्यादा इंस्टाग्राम पे, बट वैसे आई एम वेरी इमोशनली अटैच्ड टू पाकिस्तान, और मुझे बहुत वो होता है शायद। और ये नहीं कि अमेरिका जाने के बाद, पाकिस्तान में रहते हुए भी मेरा यही इमोशंस का हालात थे। ठीक यमुना को हम देंगे कुछ सिचुएशंस, है, और आपने मुझे बताना है कि आप इन इन टाइम्स पे क्या, कौन सा मिल्ली नगमा आप बताती? ठीक अच्छा है, सही, क्रिकेट का मैच चल रहा है, पाकिस्तान टीम इज प्लेइंग ठीक है अगेंस्ट समवन, सम टीम, ठीक है, और बहुत जबरदस्त मैच है, और अब टेंशन के बाद फाइनली पाकिस्तान जीतने वाला है। आप जिस जगह बैठी हुई हैं, आपके पीछे सारे पाकिस्तानी बैठे हुए हैं और वो आपकी तरफ देख रहे हैं कि यमुना पाकिस्तान जीत रहा है, कौन सा मिल्ली नगमा गाना चाहिए? विच वन विल यू स्टार्ट विद? ओके। सो आई थिंक आई स्टार्ट विद, आई थिंक आई स्टार्ट विद, हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, हम सबकी है पहचान, हम सबका पाकिस्तान, पाकिस्तान, थैंक यू। पाकिस्तान। अच्छा, अगला। या हुज योर फेवरेट बैंड? कौन सा है फेवरेट बैंड इंटरनेशनल? नहीं, मैं ज्यादा म्यूजिक नहीं सुनती। अच्छा, या ओके। यू टू, यू फेमिलियर विद यू टू? यू टू का कॉन्सर्ट है, द ठीक है। बिगेस्ट ग्रुप, यू नो, वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रुप्स। उन्होंने आपको देखा, मैंने कहा ये तो यमुना जैदी है, पाकिस्तान की टॉप एक्ट्रेस, आ जाए जी स्टेज पे हमारे साथ, यमुना इज गोइंग टू परफॉर्म विद यू टू। अब कौन सा गाएंगी? और पाकिस्तानी जितने हैं ना कॉन्सर्ट में, दे आर लाइक वाओ, अब क्या होगा, अब यमुना कौन सा गाना अच्छा ये गाएंगी? रावे सिर्फ आपके लिए आई क्योंकि सो ये ऑनर्ड। इतना अजीब से सवाल है बच्चे के। ओके, सो आपने साथ गुनगुनाना है। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। दैट्स इट। या पूरा थोड़ी गुनगुनानी, बस छोटा छोटा। व्हाट्स योर फेवरेट पाकिस्तानी सॉन्ग? नॉट अ मिल्ली नगमा, देसी गाना कोई भी। अभी आजकल राज़ी उल्फत, अरे तो खूबसूरत है, बट वो मैं नहीं बोलती आपसे गुनगुनाने के लिए, हाँ वो बड़ा मुश्किल बहुत है, मुश्किल है। इसीलिए मैंने आपको बचा वो लिया। बहुत मुश्किल ये है तो मतलब, राज़ी उल्फत है, हाँ बट जो इट्स सो ब्यूटीफुल, या इट्स वो बहुत ओएसटी खूबसूरत इज है, ब्यूटीफुल। और इतने अच्छे तरीके से प्लेस किया उसको हर जगह, कि मैं आपको क्या बताऊं। या सीरियस क्वेश्चंस पे जाएं या लाइट रखें? वट एवर यू फील सो लाइक। आई एम गोना टेल यू सम, आई एम गोना शो यू फ्यू पिक्चर्स, ओके, या मैं कुछ आपको बोल के बताऊंगी, यू हैव टू गेस कि आपके किस को स्टार ने ये बोला होगा। चलें ठीक है, शायद पता ही हो मुझे सारे। ये पिक्चर हु डू यू थिंक वुड हैव पोस्टेड? को स्टार ही या आपके साथ किया हुआ काम? साद कुरैशी? नहीं, किसने किया दोबारा होगा? से देखना, अच्छा जरा आंखें खोल के देखूं। ये है, ये पिक्चर है, और मैं एक एक जुमला भी बताती हूँ। आर यू टॉकिंग अबाउट द लोकेशन? नो नो, आई एम टॉकिंग अबाउट हु, विच ऑफ योर को स्टार्स कुड हैव पोस्टेड दिस पिक्चर। ये मैंने उन्हीं के किसी के अकाउंट से उठाई है उनके, और आपसे मैं पूछ रही हूँ कि, और उन्होंने कहा इस पिक्चर पे, किसी ने उनसे पूछा क्या पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा नॉर्मली तो आंखें किताबों की आंखें ढूंढ रहा हूं। कौन कह सकता है आपके को स्टार्स में से ये? कौन? जाहिद? यार थोड़ा सा हेल्प करो राबिया। उनके उनके साथ आपने भी पिछले साल किया है ड्रामा, इमरान अशरफ? यस, ओके, बस गेस ही किया है क्योंकि इस तरह की गहरी बातें इमरान ही कर सकता है। ओके, अच्छा गहरी बातों मैं पे। आपको बताऊं, लेकिन ये जो लोकेशन है ना, यहाँ पे मैंने साद कुरैशी के साथ ड्रामा किया था। ओके, सो आई थॉट यू टॉकिंग अबाउट द पिक्चर एंड द लोकेशन। नहीं, आई एम जस्ट गेसिंग कि आप कितने अच्छे अपने कोस्टार्स को, या गेस कर सकती हैं कि चले अब नेक्स्ट मैंने कोई मिस नहीं करना बताएं। एंड अगर उससे रिलेटेड कोई स्टोरी या उनसे कुछ आ जाए तो वो हमें आप सुना दीजिएगा। तो इमरान अशरफ के अब ऐसी ऐसी गुफ्तगू करते रहते हैं इस ट्रैक पे? अरे हाँ, आधी बातें तो ऊपर सर से गुजरती हैं, आधी समझ आती हैं, लेकिन ये कि इमरान अपना काम बहुत शौक से करता है और हमेशा जो है ना वो पूछता है, इतना अच्छा शॉट देने के बाद
पूछता है सही हो गया, सही हो गया यार, तुम ये क्या ड्रामा क्यों कर रहे हो, ऑफ स्क्रीन भी ड्रामा, ऑन स्क्रीन भी ड्रामा. आप कह देती हैं, इमरान बहुत वो है, फ्रेंडली है और बातें करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, खामोश ना खुद बैठते हैं, वो बैठने भी नहीं देते. ओके ओके. ये पिक्चर उन्होंने पोस्ट की है, ये पिक्चर हु कुड इट बी, ठीक है. एंड देन आई विल आल्सो टेल यू एक और चीज उन्होंने किसी पे लगाई, ये पिक्चर है, ठीक है. और उसके बाद उन्होंने लिखा व्हाई एम आई सो ऑरेंज, किसी एक अपनी पोस्ट पे लिखा व्हाई एम आई सो ऑरेंज. Who could write? Yes. That was good. Even I'm not following him, but मैंने उसकी पिक्चर कहीं देखी थी. So ये why am I so orange? ऐसी बातें करते रहते हैं वो, छोटे छोटे जुमले बोलते रहते हैं. अहमद का तो बिल्कुल मुझे कुछ नहीं, मुझे like he's a very good human being, लेकिन he hardly talks सेट पे काम के दरमियान. बिल्कुल नो, इज वेरी सीरियस. इट्स नॉट अबाउट सीरियस, बट ये कि बस ज्यादा बात नहीं करता है. दोस्ती नहीं आपकी उनसे इतनी? मेरी बहुत अच्छी कह ले सलाम दुआ और वो है, बट ये कि ऐसे दोस्ती वोस्ती टाइप नहीं है. अहमद तो सीरियस, बस काम से काम, अपने कोने में बैठ के कहीं सेब खा रहा है कहीं. अहमद अली अकबर सेब खा रही हूँ. अहमद बटिए कि वो एक तरीके आपको सेब ऑफर करते थे अकेले के लिए खा लेते थे? नहीं, वो हमेशा इज अ वेरी हम्बल गाय, बट ये कि वो, मैं हमेशा कहती हूँ कि एज अ को एक्टर बहुत मेरा फेवरेट है, अच्छा है. और दूसरा ये कि इंसान भी अच्छा है, बट बात बहुत कम करता है. अच्छा ओके. अब एक और आपके को स्टार है, उन्होंने उन्होंने अमजद इस्लाम अमजद की एक नज़म पोस्ट की हुई है. ना शिकायतें ना गिला करे, कोई ऐसा शख्स हुआ करे जो मेरे लिए सजा, मेरे लिए ही सजा करे, मुझसे ही बातें किया करे. बहुत लंबी सी है, बट हु डू यू थिंक कुड हैव पोस्टेड दिस? वहाज. यस, दैट वाज क्विक. अब ये उमना ही जिंदगी है. बताया तो मैंने कहा यार ये क्या सीन है, शुरू में तो मैं समझी नहीं थी वो लोकेशन. साथ के साथ मैंने काम किया था, बट वहाज का मैंने इसलिए इतना ज्यादा जल्दी से गेस कर लिया कि वहाज के साथ मैंने बहुत मेरा कम काम, मैंने साथ में हम लोग के साथ में कम काम था, बट मैं बहुत कंफर्टेबल थी. वहाज इज अ वेरी नाइस गाय. और वो कहता था कि मैं यमुना अपनी 3 साल की बेटी को फैज अहमद फैज की गजलें नज़में सुनाता हूँ, घर जाके पढ़ता हूँ मैं. मैंने कहा यार सीरियसली? खामोश और इस तरह का सेट पे रहता था. मैं कहती थी क्या आपको प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं है? क्योंकि मैं कहती थी ना ईजी रहे इंसान का, तो वो फिर वो उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, तो इस पे मैंने कहा कि यार ये नज़म है तो ये वहाज का ही सीन होगा. यस यस. और एक और है जिन्होंने कहा है, ये आपके को स्टार्स हैं, उनको मैंने मैसेज किया था कि इफ यू कुड प्लीज से अ फ्यू वर्ड्स अबाउट हर. ओके ठीक है. तो उन्होंने ये मैसेज भेजा है, द न्यू पिक्चर्स दैट वी आर सीइंग ऑफ यमुना ज़ैदी आर जस्ट समथिंग एल्स, शी लुक्स स्टनिंग सेक्सी एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड हर, बट नाउ आई थिंक आई एम इन लव विद हर. कौन है ज़ाहिद? यस ज़ाहिद. ये क्या स्टोरी इसकी? ज़ाहिद तो ज़ाहिद से बहुत अच्छी दोस्ती है. जो कहते हैं ना ज़ाहिद से तो ओनली ही कुड हैव सेंड दिस, यू नो, बिकॉज़ दोस्ती अच्छी है. ज़ाहिद अप्रिशिएट करता है कि अगर कोई, यू नो, मैं अपनी प्रोफाइल में चेंज लाऊं, प्रोफाइल एज एन नॉट जस्ट इंस्टाग्राम प्रोफाइल, माय एंटायर लुक एंड ऑल दैट, क्योंकि वो चाहता है कि यू नो मैं ग्रो करूं और काम करूं. ये वो तो उस पे बात है, मुझे बहुत ज़ाहिद से अच्छी वाली दोस्ती वाली बात करें तो इसलिए.